हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनाज होम क्राफ्ट। इस चैनल पे मैं DIYs और बलून डेकोरेशन के वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज हम लोग एक हाफ रिंग सर्कल वाला बलून डेकोरेशन करने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बलून्स फुला रही हूँ। तो चलिए हम लोग डेकोरेशन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बलून के 4-4 के बंचेस बना लिए हैं, और बंचेस को कैसे बनाना है ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे बलून को रिंग पे कैसे टाई करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो बलून का सेंटर होता है उसको रिंग पे फिक्स करना है, और बलून को एक दूसरे में टाई करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। और इसी तरीके से हमें हाफ़ रिंग को पूरा फिल करना है, क्योंकि ये हाफ़ रिंग बलून डेकोरेशन है। मैंने जो बंचेस बनाए हैं उसका साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा छोटा किया है, एक साइज़ का सिमिलर बलून्स नहीं फुलाए हैं, सभी अलग अलग साइज़ के हैं, ताकि इसका एक यूनिक और अच्छा लुक आए। और जो भी बंचेस हम लोग रिंग में टाई कर रहे हैं उसको टाइटली और अच्छे से प्रेस करके उसको रिंग में टाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई गैप ना आए और बीच से रिंग दिखे ना। ये डेकोरेशन में बहुत ये गंदा दिखेगा अगर रिंग उसमें से दिख रही होगी, तो इसलिए उसको प्रेस करके अच्छे से बलून से फिल करना है। अगर कहीं खुला भी रह गया हो तो उसको प्रेस करेंगे तो बलून एक दूसरे में फंस के वो अच्छे से फिल हो जाती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। अभी मैंने इसको हाफ मून के शेप में बलून से पूरा फिल कर दिया है। जो इसका बॉटम एरिया है वहाँ पे भी हमें पूरी बलून से फिल करना है, ताकि ये जो नीचे का स्टैंड है वो भी नहीं दिखना चाहिए, उसको भी पूरा अच्छे से बलून से कवर करना है। अभी जो गैप अगर रह भी गया है तो वहाँ पे आप दो दो के बंचेस बना सकते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। दो दो के बंचेस को उसमें टाई करते जाना है, वो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, आपको वीडियो में देखना होगा किस तरीके से उसे बलून में टाई करना है। जो ये दो दो के बंचेस जहाँ पे भी गैप है उसको वहाँ पे ऐड करना है, और उस गैप को पूरी अच्छी तरीके से फिल कर देना है। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे बंचेस बना रही हूँ। इसको बनाने के लिए आपको एक बलून लेना है और उसको नॉट लगा लेना है, स्मॉल साइज़ में लेना है, और उसमें दो पार्ट्स कर लेने हैं, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। और इसी तरीके से दो बलून में दो दो पार्ट्स करके उन दोनों को एक दूसरे में टाई करना है, तो इस तरीके से 4 का एक बंच बन जाएगा। और इसी तरीके के मैंने कुछ बंचेस बना लिए थे, तो अभी हम लोग इसको रिंग पे स्टिक करेंगे। इसको स्टिक करने के लिए यहाँ पे मैं सेलो टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये बहुत ही यूनिक लुक देता है। और इसको रैंडमली जगह जगह पे मैं स्टिक कर रही हूँ। और ये एक बर्थडे डेकोरेशन था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बर्थडे बैनर का यूज़ किया है, और इसको भी मैं रिंग पे अटैच करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का ग्लिटर वाला बर्थडे बैनर लिया है, मुझे लगा कि ये ब्लैक और गोल्डन के साथ में मैच हो जाएगा, और ग्लिटर के वजह से थोड़ा ज़्यादा शाइनिंग और उठ के दिखेगा। और इस बैनर को मैं रिंग के वन साइड पे क्रॉस वे में टाई कर रही हूँ, क्योंकि वन साइड पे हम लोगों ने बलून को पूरी तरीके से रिंग पे फिल कर दिया था, और इसको थोड़ा यूनिक और डिफरेंट लुक देने के लिए मैंने इसको क्रॉस वे में रिंग पे टाई किया है, क्योंकि एक साइड रिंग ओपन है और उसको क्रॉस वे में थोड़ा अच्छा लुक देता है, तो इसलिए मैंने इसको क्रॉस वे में टाई किया है। और ये मैंने थोड़ी सी लाइट भी इसमें ऐड कर दी थी, पर मैंने उसको शूट नहीं किया है। और ये आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और सोबर बलून डेकोरेशन है, बड़ों के छोटों के किसी के भी बर्थडे पे आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन बिलो। डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।